वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदुस्तान मिरर, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट्स। दुनिया भर में कई लोगों के लिए उड़ने वाली कारें एक ख्वाब की तरह रही हैं, लेकिन अब ये ख्वाब कहीं ना कहीं हकीकत में बदलते हुए नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में एक फ्लाइंग कार की टेस्टिंग की गई है और ये कार हवा से बातें करते हुए एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक पहुंची है। इस हाइब्रिड कार एयरक्राफ्ट का नाम एयर कार है। इस एयर कार में BMW इंजन लगा हुआ है और ये साधारण पेट्रोल से चलती है। इस कार को बनाने वाले शख्स प्रोफेसर स्टीफन क्लेन का कहना है कि ये कार 8200 फीट की ऊंचाई तक हवा में ट्रेवल कर सकती है। प्रोफेसर स्टीफन के मुताबिक इस कार को एयरक्राफ्ट में तब्दील होने में सिर्फ 2 मिनट और 15 सेकंड्स का समय लगता है। इस दौरान कार के विंग्स साइड से निकल जाते हैं। बता दें कि प्रोफेसर स्टीफन हवा में इस एयर कार को 170 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ा चुके हैं। प्रोफेसर स्टीफन ने स्लोवाकिया के एक एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। इस दौरान उन्होंने इस एयर कार को उड़ाते हुए कानों में हेडफोन लगाया था और अपनी कार की छत को बंद कर दिया था, जिससे ये कार एक कॉकपिट में तब्दील हो गई थी। इसके बाद 8200 फीट की ऊंचाई पर उड़ाते हुए उन्होंने 35 मिनटों बाद एक एयरपोर्ट पर लैंड किया था। आपको बता दें कि इस कार में 2 लोग यात्रा कर सकते हैं और ये एयर कार एक बार में 200 किलो वजन तक का भार झेल सकती है। हालांकि इस कार को टेक ऑफ और लैंड करने के लिए एक रनवे की जरूरत होती है। इस एयर कार को बनाने वाली कंपनी क्लेन विजन का कहना है कि इस प्रोटोटाइप को तैयार करने में 2 साल से कम का समय लगा है और इसमें 2 मिलियन यूरो से कुछ कम का खर्च आया है। कंपनी का कहना है कि सिर्फ अमेरिका से ही इस एयर कार को लेकर काफी डिमांड देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि इस एयर कार को लेकर जबरदस्त उत्साह बना हुआ है। मेनस्ट्रीम पॉपुलर कल्चर में भी उड़ने वाली कारों को काफी सकारात्मक नजरिए से देखा जाता रहा है और इसे वर्तमान में ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव करने के विकल्प के तौर पर भी देखा जा रहा है। हालांकि इस मामले में एवियोनिक्स एंड एयरक्राफ्ट के सीनियर रिसर्च फेलो डॉक्टर स्टीफन राइट का कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये शानदार है, लेकिन मुझे इन एयर कारों के सर्टिफिकेशन को लेकर कई संदेह हैं। एयरप्लेन तो लोग बना लेते हैं, लेकिन इससे भी जरूरी एक बात है जिस पर मामला अटकने की संभावनाएं होती है। उन्होंने आगे कहा कि फ्लाइंग कारों जो बिना किसी एक्सीडेंट के लगातार हजारों घंटे तक उड़ती रहे, इस स्तर की नियमितता किसी भी फ्लाइंग कार में जरूरी होगी, जैसा आज के दौर में कारों के मामले में होता है। इसलिए मैं ये जानने को लेकर उत्सुक हूँ कि इन कारों की सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया कैसे होती है। खैर, अब इस अजब गजब कार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके चक्की? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाएं द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।